हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं लेकर आई हूँ हमेशा की तरह एक और रीडिंग, और आज के जो है रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने जा रही है। गाइस मिस मत करिएगा, वीडियो को जो है फुल वाचिंग करिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि ये जो आपके पार्टनर है ये आखिर क्या चर्चा करते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और लोगों के सामने क्या चर्चा करते हैं, आपके बारे में क्या चर्चा करते हैं, अच्छी बातें या बुरी बातें, तो ये देखने की कोशिश करेंगे गाइज, ठीक है। और गाइज नया व्यूवर्स प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख लीजिएगा और अपनी एनर्जी सेंड करिएगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर आखिर आपके बारे में क्या चर्चा करते हैं, क्या बातें करते हैं गाइज। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर ये जो पार्टनर है और आप हो, जैसे कि आप लोगों की लव मैरिज हुई है अदर कास्ट में, जैसे कि अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के आप लोग हो और दोनों में प्यार हो गया है, जैसे कि कॉलेज वगैरह में फ्रेंड हो गए हैं और आप लोगों की लव मैरिज हो गई, ऐसी यहाँ पर मुझे फीलिंग्स आ रही है गाइस, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हर चीज आपके साथ मैच हो, लेकिन यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है, ठीक है। तो क्या बातें करते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या चर्चा करते हैं? तो फिलहाल गाइज यहाँ पर आपके पार्टनर ये चर्चा करते हैं, ये फीलिंग्स रखते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप राज रखते हो अपनी पास्ट की बातों में। कुछ ऐसी चीज हुई है आपके लाइफ में, कुछ ऐसी बातें हुई है जो आपने जो है शेयर नहीं किया है आज तक, तो इनको ऐसा लगता है कि आप जो है कुछ ना कुछ छुपा के रखते हो। वो जो चीज है, वो जो राज है, वो बिल्कुल जाहिर नहीं होने देते हो आप, ऐसा आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस किस्म के इंसान हो और आपके माइंड में क्या चलता रहता है कुछ भी समझ में नहीं आता है, परे समझ के परे आप हो, आपको जो है जानना बिल्कुल मुश्किल है, ऐसा इनको लगता है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर आप एक आध्यात्मिक किस्म के हो गाइस, ठीक है। और यहाँ पर आप टीचर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, वकील हो सकते हो, या एक टैरो रीडर भी आप हो सकते हो, ठीक है। और आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, चाहे जो भी परेशानी आ जाए, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, आप जो है बिल्कुल उस चीजों का हैंडल कर देते हो। आप जो है उस चीजों में भी जो लोगों को लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है पावर कि आप फटाक से वो चीज कर देते हो, मुश्किलें से मुश्किलें वक्त से भी, मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी आप जो है यूं अचानक से सब कुछ ठीक कर देते हो। तो आपके पर्सन जो है आपके लिए ये भी सोचते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन जो है ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ही भाव खाने वाले व्यक्ति हो, आपको मनाना बहुत ही मुश्किल रहता है, छोटी छोटी बातों से आप मानते नहीं हो, आपके लिए कुछ बड़ा सरप्राइज करना पड़ता है तब जाके आपका दिल जो है जीत पाते हैं ये, ठीक है। जैसे कि फोर ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहे कि आप बहुत ज्यादा हद से ज्यादा भाव खाते हो, आपको बहुत ज्यादा प्यारे वाली बातें और मनाने वाली जो होती है ना, तो वैसी जो है बात करनी पड़ती है, आसानी से आप बिल्कुल नहीं मानते हो, आपको जो है मनवाना बहुत कठिन है, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं गाइस, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके पास काफी सारे चॉइसेस है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, बहुत सुंदर दिखते हो और मिस्टीरियस तो आप हो ही, ठीक है, और रानी की जैसे आप देखते हो, इसीलिए आपको जो है ऑफर करने वाले लोगों की कमी नहीं है, आपके पास चॉइसेस हो सकता है, ऐसा भी इनको लगता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप दोनों के बहुत अच्छी फैमिली है यहाँ पर, ठीक है, और आप दोनों ही हैप्पी हो, एक दूसरे के साथ में इंजॉय भी कर रहे हो, और आपको आप दोनों ही को ही ऐसा लगता है कि अब सब कुछ मिल गया है, खुशी से आप लोग जो है झूम उठ रहे हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि थ्री ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि कभी कभी आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करते हो, एक दूसरे को टॉर्चर करते हो, हद से ज्यादा आप लोग जो है शक करते हो, ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। एक दूसरे को ना समझना यहाँ ऐसा भी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि जो तीसरे पर्सन है या घर फैमिली की वजह से आप दोनों का मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है,
यहाँ पर ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, ये जरूर नहीं कि हर चीज आपके साथ मैच हो, लेकिन ऐसी फीलिंग्स मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों के रिश्ते में जो है बहुत ज्यादा दरारें, टॉक्सिक रिलेशन हो गया है, ऐसा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, और वो जो है थर्ड पर्सन के वजह से, जैसे कि थर्ड पर्सन कोई भी हो सकते हैं, इनके घर फैमिली परिवार के लोग या कोई तीसरा व्यक्ति या कोई जॉब वगैरह, जैसे कि बहुत ज्यादा काम में व्यस्त होने के कारण आपको समय नहीं दे पाना, आपका केयर नहीं कर पाना, ठीक है, आपका केयर न कर पाना, आपका ध्यान नहीं रख पाना, इसकी वजह से काफी लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर हो रखा है, तो ऐसा भी मुझे फीलिंग्स आ रहा है। ठीक है, और आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट करते हो, परेशान कर देते हो, दिल को जो है तोड़ तोड़ कर रख देते हो। जब आपको गुस्सा आता है तो आप कुछ भी नहीं सुनते हो, न समझते हो, न सोचते हो, जो मुंह में आए वो बोल दे देते हो, ऐसा इनको लगता है गाइस। ठीक है, भले ही आप ऐसा ना करते हो, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो इनका, लेकिन ये वो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आप गुस्से में होते हो तो काफी इनको हर्ट कर देते हो, ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो है आपके जो पर्सन है पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स और उनकी सोच, उनकी चर्चा यही थी आपके लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।